जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए। वास्तु में कहा गया है कि अगर किसी का मन दुखाया तो कितना ही दान पुण्य या पूजा पाठ क्यों ना कर ले, इसका पाप नहीं मिटता है। प्रकृति का सदैव सम्मान करें, प्रकृति को कभी दोष ना दे। कभी भी साधु संतों या धार्मिक आयोजन उत्सव को लेकर गलत बात मन में ना आने दे। हर धर्म में माँ को पूजनीय बताया गया है। माँ की सेवा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भूलकर भी माँ का अपमान बिल्कुल भी ना करें। पिता को लेकर ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता वे पशु के समान है। माता पिता का अपमान करना मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण माना गया है। गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। जो गुरु का अनादर करता है वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्ति नहीं कर सकता। कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करे, चाहे वह किसी भी रूप में ही क्यों ना हो। आप जहाँ भी रहते हो उस घर में हमेशा प्रेम करें। घर को मंदिर के समान माना गया है। घर के भीतर कभी भी चप्पल या जूते लेकर प्रवेश ना ही करें। घर को साफ स्वच्छ रखें। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आ सकती। रसोई घर का अवश्य सम्मान करें। यहाँ माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। रसोई घर में बना भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। रसोई घर के भीतर कभी चप्पल पहनकर ना जाएं। भोजन का सदैव सम्मान करें। कभी भी जूते या चप्पल पहनकर भोजन ना करें। किसी भी तरह से जानवरों पर अत्याचार ना करें। किसी भी जीव को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाएं। भक्तों, अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप असल आस्था को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए।